नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में आपने हिंदी व्याकरण संज्ञा का अभ्यास किया था। आज हम इस तास में अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3, कुत्ते की वफादारी। बच्चों, इससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे पता है आप सभी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। शायद आपने यह कहानी सुनी भी होगी। चलो, एक किसान था और उसकी एक पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। किसान खेतों में काम कर कर अपना गुजरान चलाता था और वो अपने काम से बहुत खुश था। वो अपने परिवार के साथ खूब मजे से रहता था। फिर एक दिन किसान जब अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसे छोटा सा नेवला मिला। किसान ने देखा कि यह तो बहुत प्यारा नेवला है, यदि इसको यहीं पर छोड़ दो तो बहुत सारे जानवर इसको खा जाएंगे। इसीलिए उसे उस नेवले पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आया। जैसे ही वह नेवले को घर ले जाता है, उसकी पत्नी चौंक जाती है और अपने पति से कहती है, आप इसे यहाँ क्यों लेके आए? क्या आपको पता नहीं कि हमारे घर में हमारा एक छोटा सा बच्चा भी है? किसान ने कहा, लेकिन ये बहुत प्यारा नेवला है, मुझे इस पर दया आ गई। यदि मैं वहां उसे छोड़ देता तो बहुत से जानवर इसे खा जाते, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। तब उसकी पत्नी बताती है, हम इसे कहाँ रखेंगे? तब किसान ने कहा, तुम हमारे बच्चे के साथ साथ इसका भी लालन पालन करना, हमारा बच्चा भी बड़ा होता जाएगा, इस तरह यह नेवला भी बड़ा होता जाएगा और हो सकता है कि वो अपने बच्चे के साथ घुल मिल जाए। लेकिन उसकी पत्नी को कतई मंजूर नहीं था। वो तो हर वक्त चिंतित ही रहती थी। उसने अपने पति से कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, यदि इस नेवले ने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो? किसान उसे बहुत समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इसे अपने पास ही रखो, जिस तरह से हम अपने बच्चे को पालते हैं, इसी तरह इस नेवले को भी पालेंगे। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, हो सकता है उसे वापस छोड़ा जाए। फिर उसकी पत्नी को थोड़ी सी ऐसा लगा कि ठीक है, चलो मैं उसकी बात मान लेती हूँ। तो वो थोड़ी उस पर दया दिखाती है और अपने पति की बात मानकर उस नेवले को अपने घर में ही रखती है। लेकिन हर वक्त वो चिंतित ही रहती थी। लेकिन उसका बच्चा है वो हर रोज नेवले के साथ खेलता था। जिस तरह वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी, उसी प्रकार वो नेवले का भी पालन करती थी। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए और किसान की पत्नी को भी सांत्वना मिल गई कि ये नेवला मेरे बच्चे को कुछ नहीं करेगा। दोनों दोनों साथ में बड़े हो रहे थे और एक दूसरे के साथ खेलते थे। किसान की पत्नी कहीं पर जाती थी, तब नेवले को कहती थी कि तुम इसका ख्याल रखना, और नेवला उस बच्चे का ख्याल रखता था। ऐसे ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन किसान खेत पे चला गया और किसान की पत्नी को कुछ सामान लेने के लिए बाजार जाना था। तब वो अपने बच्चे को कमरे में सुलाकर फिर नेवले को कहती है कि तुम इसका ख्याल रखना। तो नेवला तो उसकी बात मानकर वही उस कमरे में बैठ गया और बच्चा तो सो ही रहा था। नेवले को भी आंख लगने वाली थी, लेकिन वो फिर से झपट जाता था क्योंकि उसे पता था कि इस बच्चे का ख्याल रखना है। बहुत समय बीतता गया। फिर कुछ देरी के बाद खिड़की से बड़ा सा सांप आया। नेवले ने उसे देख लिया और झट जाकर सांप के साथ युद्ध करने लगा और अपने नुकीले दांतों से उसका नाश कर दिया, यानी कि उसका वध कर दिया, उसके मार डाला। और इसकी वजह से नेवले का पूरा मुंह
लाल हो गया लव के रंग से, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने बच्चे की जान बचा ली और इतने बड़े सांप को मार डाला। वो तो खुशी से उछल रहा था कि मैं किसान की पत्नी को बताऊंगा, यानी कि माँ को बताऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। फिर किसान की पत्नी आती है, दरवाजा खटखटाती है। जैसे ही निर्मला दरवाजा खोलता है तो किसान की पत्नी हक्की बक्की रह जाती है, यानी कि चौंक जाती है। उसने देखा कि नेवले का मुंह तो लव से लाल है। उसने सोचा कि न कि कुछ गड़बड़ है। वो तो ऐसे ही मान बैठी कि शायद उसके बच्चे को उसने मार डाला। तो वो बिना सोचे समझे गुस्से में आकर नेवले पर लकड़ियों का प्रहार करने लगी। उस पर बहुत सारा टूट पड़ी और नेवला वहीं पर बेहोश हो गया। फिर अंदर जाकर देखती है तो उसका बच्चा तो सोया हुआ था पर पास में ही एक सांप मरा हुआ पड़ा था। उसको बहुत दुख हुआ कि हाय रे, ये मैंने क्या कर दिया। बिना सोचे समझे ही मैंने नेवले को लाठियों से पीट डाला। वो तो चट से दौड़कर नेवले के पास जाती है, लेकिन क्या देखती है, नेवला तो लाठियों के प्रहार से मर चुका था। उसको बहुत पछतावा हुआ। तभी उसका पति किसान वहां पर आता है। वो सारी घटना उसे बताती है और अपना दुख प्रकट करती है कि मैंने जल्दबाजी में बहुत गलत काम कर दिया। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या सीख मिलती है? आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें यहाँ पर यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी में किया हुआ काम हमें नुकसान ही पहुंचाता है। तो बच्चों, आज हमें जो इकाई पढ़ने जाने वाले हैं, कुत्ते की वफादारी, यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही कहानी है। तो चलो हम उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में मैं आपको पेज नंबर 9 और 10 पर का पॉलर पैराग्राफ इतनी ही समझूती आपको दूंगी। यहाँ पर हम पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 का पहला ही पैराग्राफ, यानी कि पहला ही गद्यांश, इतनी कहानी की हम समझूती प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले इस इकाई में जो शब्दार्थ और मुहावरे है उसको पहले हम देख लेते हैं। वफादारी, वफादारी का मतलब है स्वामी भक्ति। मिश्री यानी कि चीनी, सक्कर, गिरवी यानी कि अमानत पर रखना, जबान यानी कि वचन। अब बहुत सारे मुहावरे इसमें आए हुए हैं। हृदय हिला देना यानी कि हृदय को द्रवित करना, मार खा जाना यानी कि नुकसान हो जाना, फूटी कोड़ी ना होना यानी कि बहुत गरीब होना, डाका डालना यानी कि चोरी करना, 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। तो बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकालिए और पेज नंबर 9 निकालिए। चलो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। पुराने जमाने की यह बात है, सामान लाने ले जाने का व्यापार जो करते थे वह बंजारे थे। यानी कि पुराने जमाने में व्यापार का सामान लाने ले जाना का काम बंजारे करते थे। बंजारे एक ज्ञाति है, यानी कि जाति के लोग हैं। वो घूम घूम कर अपना व्यापार करते हैं। बंजारे कैसे करते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह कर घूम घूम कर, यानी कि घूमड़ कर अपना व्यापार करते हैं। इसीलिए एक बंजारा था, वो क्या करता था? तो वो सामान ले जाने का और लाने का काम करता था। एक बंजारा अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में लाता था और वहां से मिश्री, गुड़, मसाले आदि भरकर गांवों तक ले जाता था। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, एक बंजारा था, वह अपने ऊंटों पर गांवों का माल सामान लादकर यानी कि रखकर शहरों में लाता था और वहां से मिश्री,
गुड़ मसाले आदि गांव तक ले आता था। यहाँ पर एक बंजारा है, वो क्या करता है? तो वो ऊंट पर, उसका सामान कौन सा है? ऊंट। वो ऊंट पर गांव का सामान कहाँ ले जाता था? शहरों में। और शहरों में से क्या लाता था? मिश्री, मसाले, गुड़, ये सारी चीज वो गांव में लाता था। लाखों का व्यापार था उसका, इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर सा कुत्ता था। कुत्ता बड़ा ही वफादार था। रात को बंजारे को पड़ाकी रखवाली करने के लिए वह कुत्ता बहुत काम आता था। अगर कोई चोर लुटेरे वहां पर आ जाते तो कुत्ता भोंक भोंक कर उसको भगा देता था। और बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। देखो, एक बंजारा है, वो घूमड़ घूमड़ कर व्यापार करता है। गांव से शहरों में वो सामान ले जाता है और शहरों से गांव के लिए सामान लेकर आता है। उसने अपने पास एक कुत्ता रखा था, लेकिन वो कैसा था? बहुत ही वफादार कुत्ता था। रात्रि के समय पड़ाव, पड़ाव यानी कि यात्री के यात्रा करते वक्त कुछ देरी के लिए जहाँ पर हम रुकते हैं विश्राम करने के लिए, उसे पड़ाव कहते हैं। तो पड़ाव के वक्त वह कुत्ता वहां पर पूरे माल सामान की चौकी करता और बंजारा सो जाता। यदि कोई चोर लुटेरे आते तो कुत्ता भोंक भोंक कर उसे भगा देता। इस तरह कुत्ता अपनी स्वामी के प्रति बहुत वफादार था और उसकी स्वामी भक्ति से लाखा बंजारा बहुत खुश था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया, यानी कि उसे बहुत नुकसान हुआ और रुपयों की जरूरत आ पड़ी। वह राधनपुर के एक छोटे से गांव के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। देखो, अभी व्यापार है तो क्या होगा, उसमें फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। वैसे तो उसका लाखों का व्यापार था, लेकिन एक दिन क्या होता है, वह अपने व्यापार में मार खा जाता है, यानी कि उसको नुकसान हो जाता है। इसीलिए उसको व्यापार चलाने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत पड़ती है। वह राधनपुर के एक सेठ के पास जाता है और रुपये की बात करता है, कि अपनी बात बताता है कि मुझे रुपये चाहिए। सेठ ने बोला, ठीक है, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले तुम क्या गिरवी रखोगे? गिरवी यानी कि अमानत के तौर पर रखना। यदि हमें कुछ किसी के पास रुपये चाहिए तो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी कीमती जितनी मूल्यवान चीज है वो उसे देनी पड़ती है अमानत के तौर पर। लाखा बोला, सेठ जी, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ गवा दिया है। मेरी जबान पर भरोसा रखिए, यानी कि विश्वास रखिए, मुझे रुपये दे दीजिए, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत वापस दे दूंगा। सूद यानी कि ब्याज के साथ, सूद यानी कि ब्याज के साथ। सेठ कहते हैं बंजारे को कि तुम अपनी कोई मूल्यवान चीज मेरे पास अमानत के तौर पर रख दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन बंजारा बताता है कि सेठ जी, मेरे पास तो अभी फूटी कौड़ी नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है। मैं पूरा पैसा है मेरा व्यापार में चला गया है। आप मेरी जबान पर यानी कि मेरे वचन पर भरोसा कीजिए, मैं सूद समेत यानी कि ब्याज के साथ आपके रुपया को लौटा दूंगा। लेकिन सेठ कहते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, तुम कुछ अमानत के तौर पर यहाँ पर रख के जाओ। तो बंजारा ने देख बंजारे के साथ सेठ ने देखा कि उसके पास एक तो बहुत सारा सुंदर कुत्ता है। सेठ ने बंजारे से कहा, ठीक है, तुम अपना ये कुत्ता है वही अमानत के तौर पर रख के जाओ। वैसे तो लाखे बंजारे को बहुत दुख होता है अपने कुत्ते को वहां पर अमानत के तौर पर रखने के लिए, लेकिन वह मजबूर था, इसीलिए वह कुत्ते को ही अमानत के तौर पर वहां पर रख कर जाता है। बस बहुत सारे दिन ऐसे ऐसे बीतते गए। एक दिन सेठ के वहां चोरी हो गई और कुत्ते ने यह देख लिया। चोर तो चोरी कर कर 9-2-11 हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। बच्चों, हम यहाँ तक यह कहानी रखते हैं।
अगले तास में फिर से आगे की ओर पढ़ेंगे। तो पहले ने जो पढ़ाया है उसको वापिस दोहराती हूँ। उससे पहले एक बात बता देती हूँ कि बच्चों आपको इस इकाई में हिंदी व्याकरण लिंग का भी अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे तो मैं आपको लिंग का अभ्यास अलग तौर से करवाऊंगी एक नया टास्क लेकर, लेकिन थोड़ी सी झलक मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। लिंग का अर्थ क्या होता है? जो शब्द किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध करवाए, जो शब्द किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध करवाए उसे लिंग कहते हैं। लिंग के मुख्य दो भेद है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध करवाए उसे पुल्लिंग कहा जाता है और जो शब्द स्त्री जाति का बोध करवाए उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है लड़का और स्त्रीलिंग शब्द है लड़की। तो बच्चों मैं कुछ प्रश्नों के रूप में ये कहानी फिर से दोहराती हूँ। एक बंजारा था। बंजारे का कैसा व्यापार था? बंजारे का लाखों का व्यापार था। लाखों का व्यापार होने के कारण उसे लोग क्या कहते थे? लाखों का व्यापार होने के कारण उसे लाखा बंजारा कहा जाता था। लाखा बंजारे के पास क्या था? लाखा बंजारे के पास एक वफादार कुत्ता था। लाखा बंजारा क्या करता था? लाखा बंजारा अपने गांव से माल सामान शहरों में ले जाता था और शहरों से कुछ चीज वस्तुएं गांव में लेकर आता था। लाखा बंजारे को कुत्ता क्यों प्यारा था? क्योंकि उसका कुत्ता बहुत वफादार था, वो बिल्कुल स्वामी भक्त था। एक दिन लाखा बंजारे के साथ क्या हुआ? एक दिन लाखा बंजारे ने व्यापार में मार खा गया, यानी कि उसको नुकसान हो गया। सेठ ने रुपये देने के साथ में उसके पास से क्या मांगा? सेठ ने रुपये के साथ लाखा बंजारे से अमानत के तौर पर कुत्ता मांगा। तो बच्चों यहाँ पर यह कहानी हम पहले विभाग में इतने तक समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। इस तास के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट को आपको रफ बुक में गृह कार्य के रूप में कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैं अपना तास खत्म करती हूँ। धन्यवाद।